एसटी नहीं है, हिंदू क्या होता है? तो आपको क्या लगता है ये कांग्रेसी हिंदू क्या है, समझेंगे? अब अनुराग, अब अनुराग के पास, अनुराग ये जो सेडिशन लगा है इसका कोई जस्टिफिकेशन है आपके पास, या आप किस तरफ खड़े हैं, घंटाधारी गदाधारी? ये जो सेडिशन लगाया राणा दंपति पर, मैं अपनी बात कह लूं, बड़ी मजेदार बात है। एक सवाल पूछा गया संबित पात्रा जी से, हनुमान जी की बहुत गाथा गा रहे हैं, चौपाई दोहा नहीं बता पाए कितनी दोहा है कितनी चौपाई है, दुनिया की कहानी बताई थी उन्होंने, राम रामायण पता नहीं क्या भैया। मैं एक बात बताऊं मौलाना साहब, लेकिन नहीं बता पाए। आप में से किसी की हिम्मत नहीं है किसी मुसलमान को कहो कि अजान पढ़ के दिखाओ, शो गूगल कर लिया। अरे आप टेस्टिंग करते हो, बोलने दो प्रभु का चिल्ला रहे हो, गूगल करने की आवश्यकता नहीं है, बताऊंगा भी नहीं, जनता ने देख लिया है। आपके पास तो हरे कुर्ता को छोड़ के हनुमान में कितनी चौपाई है, राम एक हरा कुर्ता पहन पहन के अपने आप को वो भी नहीं पता प्रभु, उसके प्रभु इस बच्चे को माफ करना, प्रभु प्रभु इस बच्चे को माफ करना, ये नादान सुनो मौलाना परेशान है, हरे मौलाना सुनो, यहाँ पे सरकार की आने कोई गदाधारी होगा, कोई इच्छाधारी होगा, बंदूकधारी हो, प्रभु माफ कीजिएगा, हिंदुओं को देखते ही गोली चलाने वाले हो, बंदूकधारी आपके बारे में कुछ नहीं जानता है प्रभु, प्रभु ये कुछ नहीं, हनुमान चालीसा की यही नहीं पता है कितनी चौपाई है कितनी दोहे है, प्रभु इसको माफ कीजिएगा। और प्रभु लगे हाथ एक बात और पूछ लो, हनुमान जी कैसे तो नाम पड़ा ये बता दीजिए, अरे हनुमान जी नाम कैसे पड़ा ये बता दो, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, अरे बजरंग बली जी का नाम हनुमान क्यों पड़ा अगर बता दो, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, बता दो हनुमान नाम क्यों पड़ा, यही बता दो आप, बता दो आप, चैलेंज करता हूँ आपको कि हनुमान नाम क्यों है उनका, मैं नहीं बता पाओगे आप, चैलेंज किया है तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, हनुमान जी हनुमान जी बोलो, हनुमान जी नाम क्यों पड़ा, बता रहे हैं, बता रहे हैं, मैं इसका उत्तर देता हूं, अनुराग बता रहे हैं, अनुराग बता रहे हैं, अरे उत्तर क्या दोगे जब मालूम नहीं है, उत्तर क्या दोगे तो आपको कैसे पता नहीं पता, चलिए बोलने दीजिए, अब एक मिनट अनुराग, एक मिनट, अब संबित बोलेंगे जवाब, संबित का जवाब, आपका सवाल, उनका जवाब, नहीं नहीं आपने सवाल पूछा ना, आपने पूछा तो जवाब ले लीजिए, आप घबरा क्यों रहे हैं, जवाब संबित, जवाब चाहिए तो सुनिए, दिक्कत तो ये है, हाँ संबित मेरे कई सवाल है भाई, एक आप पहले पहले का दीजिए फिर मैं आप ही के पास आऊंगा, अनुराग लौट कर आप ही के पास आऊंगा, आपका सवाल था ना, उनको पता नहीं होगा ना अमीश, अरे हाँ अमीश भाई, हाँ अमीश भाई, अरे इतने अमीश भाई, देखिए वैसे तो मैं उत्तर देना नहीं चाहता था मगर एक एक उत्तर देना उचित होगा। देखिए हनु का अर्थ ठुड्डी होता है, और ठुड्डी में जब वज्रपात हुआ और हनु तक जो संसार का मान रखे वो हनुमान, हनु से ऊपर जो हमेशा अपने राम में डूबा रहे वो हनुमान है, याद रखिए इस बात को। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, इन ये नकली हिंदू, इन नकली हिंदुओं में हिम्मत है किसी किसी मुसलमान को कहे कि आप आके आप आके आप आके यहाँ पर आप आके नमाज पढ़ो, किसी की हिम्मत है, इनमें हिम्मत है किसी मुसलमान को कहे कि नमाज पढ़ के दिखाओ तभी मैं मुसलमान हूँ? अरे जैसे तुम्हारे जैसे समाजवादी पार्टी पे वज्रपात हुआ है अभी उत्तर प्रदेश में, जैसे समाजवादी पार्टी पे वज्रपात हुआ है वैसे ही हुआ है, अभी तुम्हारे ऊपर वज्रपात हुआ ना, अरे अभी तुम्हारे ऊपर वज्रपात हुआ ना, झड़ाम झड़ाम झड़ाम, जनता ने वज्रपात किया ना तुम्हारे ऊपर, अभी वज्र कैसा, अब इसको वज्र पता नहीं क्या होता है, वज्रपात क्या होता है, जल्दी जल्दी वज्रपात हुआ था, तुम बताओ जरा तुम्हारे ऊपर उत्तर प्रदेश में वज्रपात कैसे हुआ? अच्छा चलिए छोड़िए, अनुराग अनुराग हो गया ना, उत्तर प्रदेश में टॉपिक पे आ जाते हैं ना, अनुराग आपने क्लास ले ली ना, जवाब मिल गया आपको, अच्छा लगता है ऐसे बोलोगे प्रभु, और ज्यादा अच्छा चलिए अनुराग टॉपिक पर आ जाते हैं, सवाल ले रहा हूँ मैं आपसे, जवाब दीजिएगा, सवाल ले रहा हूँ अनुराग, मेरे बीच में बोलोगे तो नहीं 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 नहीं, आप ही ने सवाल पूछा था अनुराग, आप सवाल नहीं पूछते अपनी बात रखते, सवाल पूछा तो जवाब मिलेगा ना, तो बोलने दोगे, हाँ बोलिए ना, बोलिए ना, आप ही ने सवाल पूछा था ना अनुराग, दीजिए दीजिए, हाँ बोलिए बोलिए अनुराग, वज्र वज्र देखिए उन्होंने, अरे सुन तो लीजिए, उन्होंने जल्दी से गूगल करके पता लगा लिया वज्रपात, अरे प्रभु वज्र इंद्र देवता ने मारा था, और बचपन में जब हनुमान जी छोटे थे, अरे बताया ना मैंने, इंद्र देवता ने मारा भगवान, उसके बाद उनकी ठोड़ी में चोट, अब ये मौलाना को बोल हल्ला मचा रहे हो आप, सुनता भी नहीं है, अरे यार क्यों ये देखो हल्ला मचा के, पोल खुल जाती है तो हल्ला मचाने लगते हो, मौलाना साहब पहले अपना कुर्ता बदल के आओ, उसके बाद डिबेट करना, अभी तो बहुत कुछ पूछ लूंगा तो भाग जाओगे, अरे यार अबे बोलने से भगवान शंकर, आप सीट हारने के बाद तो भाग रहे हो, हम क्यों भाग जाएं भैया, बोला गया है छोड़िए अनुराग, ये सब क्या टॉपिक पर आइए ना, अनुराग छोड़िए ना, टॉपिक पर आइए ना, सवाल पूछता हूँ आपसे, आप टेस्ट लेने आए हैं क्या, पहले जवाब पूछा हो गया, इसी में टाइम निकालना है क्या, नहीं नहीं छोड़िए वो सब नहीं, मैं सवाल लूंगा उसका जवाब दीजिए, अनुराग मेरा सवाल है, अनुराग मेरा सवाल है, सड़क पर हनुमान चालीसा देशद्रोह का आरोप, सही या गलत, सड़क पर हनुमान चालीसा देशद्रोह, सही या गलत, जनता के सामने दिखाने दो कितना फर्जी है ये, चलिए हाँ हो गया, अभी पता लग गया कौन है कितना है, अनुराग सवाल ले लूं, शंकर सुमन, अब आप भी बोलोगे मेरे बीच में कैसे होगा, शंकर सुमन केसरी नंदन पवन सूत्र हनुमान क्यों बोला जाता, जरा बता देंगे ये,
इसका मतलब बता दें जरा। किसी धार्मिक चैनल पर थोड़ी ना बैठे, अब हनुमान चालीसा पर डिबेट नहीं कर रहा ना मैं, अब हनुमान चालीसा पर जिस दिन डिबेट करूंगा बता दूंगा ना अभी। अच्छा आप सवाल पे आ जाओ, सवाल मैं सवाल लूं आपसे, सवाल ले रहा हूं मैं आपसे, आ रहा हूं संबे देखो, सवाल ले रहा हूं, सवाल है मेरा, मैं लूं सवाल आपसे, सवाल दो ना उनको, अरे 30 सेकंड दे दो भाई मुझे, बोले दो ना उनको चौपाई का मालूम है कितनी है, ना दोहा कितने पता है, ना कैसे शंकर सुमन केसरी नंदन पवन सूत्र क्यों बोला जाता है नहीं मालूम है, और जो हमने हनुमान बोला था वो भी पढ़ लिख के थोड़ा बता दिया, वो भी नहीं पता था। तो जो हनुमान जी के बारे में नहीं जानते हैं वो हनुमान चालीसा की बात करते हैं, सोचो ये हिंदुस्तान की हालत हो गई है, जिनको जो 10th पास ही नहीं है वो 12वीं का और कॉलेज का एग्जाम दे रहे हैं, सोचो जिनको मालूम नहीं हनुमान जी के बारे में हनुमान जी की बात करते हैं, इससे ज्यादा शर्म की बात हिंदुस्तान के लिए नहीं हो सकती। ठीक है मैं सवाल ले लूं, वो लोग जो भगवान को मानते ही नहीं है, भगवान के बारे में ज्ञान ही नहीं है, भगवान के बारे में जवाब देना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं एक मिनट, आप सवाल पूछिए। हां मेरा एक सवाल है, एक मिनट, क्योंकि ना इसमें टाइम वेस्ट होता है जल्दी से, क्योंकि डॉक्टर वागीश सारस्वत के पास भी मुझे जाना है। अनुराग मेरा सवाल ये है।